अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों व अन्य देश के घुसपैठियों के खिलाफ जांच अभियान चलाकर बाहर निकालने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि अजमेर में विगत घटित घटनाओं को लेकर एवं अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों और अजमेर के गली मोहल्ले भीख मांगने की आड़ में चोरी डकैती करना, पकड़े जाने पर काली गलोच करना तथा धर्म विशेष की आड़ लेकर झूठे मुकदमे करने का सिलसिला चल रहा है। ये लोग दिन में भीख मांगने के नाम पर कॉलोनी में रेकी करते हैं तथा घटना को रात में अंजाम देते हैं। कभी मौका मिलता है तो दिन में ही घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कभी कभी वारदात करते समय ये लोग पकड़े जाते हैं तो धर्म विशेष की आड़ लेकर सामने वाले पर मॉब लिंचिंग की धारा वे अन्य धर्म से संबंधित धारा लगाकर बच जाते हैं। गत दिनों अजमेर में कुछ ऐसा ही मामला हुआ। चोरी करने की कोशिश करते हुए भिखारी को पकड़ लिया गया, किंतु राज्य सरकार द्वारा अजमेर प्रशासन पर असंवैधानिक दबाव बनाकर समुदाय विशेष को खुश करने के प्रयास में हिंदू समाज के युवाओं वे गैर कानूनी रूप से मॉब लिंचिंग की धारा लगाकर उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। राज्यपाल से उन्होंने मांग की कि युवाओं पर लगाई गई असंवैधानिक धाराएं हटाई जाए तथा गैर कानूनी तरीके से अजमेर में रह रहे बांग्लादेशी अन्य देशों से आए घुसपैठियों के लिए जांच चलाकर उन्हें बाहर निकाला जाए। राष्ट्रीय बजरंग दल भिलोड़ा जिले द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है अजमेर के अंदर घुसपैठिए अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पे अवैध रूप से जो रह रहे हैं, जो उन क्षेत्रों में घूम घूम कर रेकी करके वारदातें करते हैं, चोरी चकारी की घटनाएं करते हैं, ऐसे लोगों की जांच पड़ताल करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा अजमेर में भय मुक्त बनाया जाए। इसी संदर्भ में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन दिया है और कुछ समय पूर्व अजमेर के अंदर इसी तरह पीर फकीर कानपुर से आए हुए उस क्षेत्र में चोरी की नियत से घूम रहे थे। ये लोग दिन में रेकी कर रहे थे, जिसके वहाँ के कुछ लोगों ने पकड़ा और उनके पास जब आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर और उस क्षेत्र के ललित शर्मा और अन्य लोगों के ऊपर मॉब लिंचिंग की धारा अल्पसंख्यक समुदाय के दबाव में लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मांग करता है कि उसकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच की जाए तथा इस तरह से अवैध रह रहे अन्य देशों से आए हुए नागरिक, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे अवैध बांग्लादेशी हो, उनकी खोजबीन करके अजमेर से बाहर निकाला जाए। हम यही मांग करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। जय श्री राम। विनीत द्विवेदी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, चित्तौड़ प्रांत, महामंत्री।